हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गुलाब जामुन विथ रबड़ी बनाना सिखाऊंगी। रबड़ी मैंने घर में बनाई है, घर के दूध की है। गुलाब जामुन है जो बहुत अच्छे बने हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे बाज़ार के पाउडर के गुलाब जामुन फट जाते हैं, एकदम स्मूथ नहीं बनते हैं। इसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि एकदम टेस्टी और स्मूथ, बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं। रबड़ी मैंने घर के दूध से बनाई है, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, केसर डाली है, तो बहुत हेल्दी है। गुलाब जामुन और रबड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए दोस्तों, ये मेरे बनाए हुए गुलाब जामुन हैं, कितने स्मूथ और चिकने हैं, एकदम परफेक्ट शेप में हैं। तो मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए हम लोग जो अपना है रबड़ी भी बना के रखेंगे। तो रबड़ी और गुलाब जामुन दोनों बना लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं रबड़ी बनाऊंगी क्योंकि रबड़ी बनाने में समय ज़्यादा लगता है। मैंने इसके लिए 1.5 लीटर दूध लिया है दोस्तों। दूध जो है वो फुल क्रीम दूध है दोस्तों। ये इसमें मलाई है, इसको मैं अपनी कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई मोटे तले की रहेगी जिसमें हमें गैस जो है वो सिम पर रखनी है, जिससे दूध हमारा फन जाए अच्छे से। एक तरफ गैस में हमारी ये दूध जो है वो रबड़ी बनता रहेगा, हमें बीच बीच में इसको चलाते रहना है। जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा, हम इसमें थोड़ी सी केसर डालेंगे दोस्तों। केसर डालने के बाद देखिए इसका रंग कुछ इस तरह बदल जाएगा, ये गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इसमें अपनी शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ी पतली सी हो जाएगी, पतली ना जल भी सकती है, इसीलिए हमें इसे सिंपल करके अच्छे से चलाना है। और जितनी हमको गाढ़ी चाहिए उतनी गाढ़ी देखकर हम इसको गैस बंद करके निकाल की तरफ रख लेंगे। रबड़ी में कुछ खास नहीं है दोस्तों, बस हमें इसकी गाढ़ीपन का ध्यान रखना है। ये हमारा गुलाब जामुन का पाउडर है जो बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों का आता है। हम किसी भी कंपनी का अपने इच्छानुसार ले लेंगे। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हम दोस्तों दूध से मारेंगे, हमें इसे पानी से नहीं करना है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे दोस्तों। ये दूध से मारेंगे, एकदम स्मूथ इस तरह हो जाएगा। 15 मिनट के लिए इसको एक साइड में रख देंगे। फिर वापस हम इसको एक बार फिर से हाथों में थोड़ा सा तेल या घी लेकर फिर से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसको 2 बार दोस्तों हमें तैयार करना है। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे दोस्तों। बाजार के गुलाब जामुन होते हैं, हम उसकी बहुत छोटी लोइयां तोड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम सेकते हैं तो वो उसे दुगनी हो जाती है। फिर हम चाशनी में डालते हैं तो उससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जबकि खोए के गुलाब जामुनों में ऐसा नहीं होता। इस तरह मैंने छोटी छोटी गुलाब जामुन जो है बना के एक प्लेट में रख ली हैं दोस्तों। हमें एकदम कर्रे हाथों से दबा दबा के इनको बनाना है, जिससे इसमें कोई भी क्रैक ना रह जाए। अगर इसमें क्रैक रह गया तो हमें ऐसे तलते वक्त फट जाएगा। यह मैंने शक्कर ली है, शक्कर में मैंने जो है गुलाब जामुन की चाशनी के लिए ली है। ये 1/2 कप शक्कर है, 1/2 कप शक्कर में मैंने 1 कप पानी डाला है और इसे गैस पर अच्छे से एक उबाल आने तक मिक्स कर लिया है दोस्तों। इसे गाढ़ी चाशनी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम इसमें गुलाब जामुन डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। हमें रस भरे गुलाब जामुन नहीं खाने हैं, सिर्फ सूखे गुलाब जामुन बनाने हैं। जब ये चाशनी बन जाएगी उसमें हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अपने साइड में रख लेंगे दोस्तों। इलायची पाउडर डालने से हमारे गुलाब जामुन पर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, गैस हमने फुल रखी है, फास्ट है, और सारे गुलाब जामुन हम धीरे धीरे करके इसमें तल लेंगे दोस्तों। गुलाब जामुन का कलर हम इस तरह गोल्डन करेंगे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन होना चाहिए जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ऐसे गुलाब जामुन होते जाएंगे, हम उनको निकालते जाएंगे। हमको एकदम टाइट हाथों से दबा दबा के अपने इस डो से गुलाब जामुन बनाने हैं। ध्यान रखना है हमारे गुलाब जामुन में कोई भी क्रैक ना रहे। हाथों में थोड़ा तेल लगा लगा के अपने गुलाब जामुन को गोल करेंगे तो उसके कोई भी क्रैक नहीं आएंगे। अब गुलाब जामुन तल के निकालने के बाद इसको अपनी चाशनी में डालेंगे दोस्तों। चाशनी में डालने के बाद ये थोड़े फूल जाएंगे और इनमें चाशनी भर जाएगी, तो हम उसे निकाल कर अपने दूसरे बर्तन में रख लेंगे। हमें इसे चाशनी में ही पड़े नहीं रहने देना है, वरना ये फट जाते हैं। चाशनी में रखकर हम इसे एक बर्तन में, देखिए सूखे सूखे गुलाब जामुन दोस्तों हमने अपने निकाल लिए। इस तरह हम दो सारे गुलाब जामुनों को तल लेंगे, चाशनी में डालेंगे और अपने एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे दोस्तों। गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है। एक बाउल में गुलाब जामुन के ऊपर हमने जो रबड़ी बनाई है वो डाल के एंजॉय करेंगे। हमें इसमें जो गुलाब जामुन की चाशनी है दोस्तों, वो हमने कम मीठी रखी है क्योंकि रबड़ी हमारी ऑलरेडी मीठी होती है। दोनों ज़्यादा मीठे हो जाएंगे तो इतना टेस्टी नहीं लगेगा। आप मीठेपन का ध्यान दीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दिवाली का दिन है, इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए। हैप्पी